उत्तर प्रदेश के अमरोहा के आदमपुर थाना पुलिस ने जिस युवती की हत्या के आरोप में उसके पिता और भाई सहित तीन लोगों को जेल भेजा था, वो युवती आज जिंदा बरामद हो गई है। जिसके बाद थाना आदमपुर पुलिस का कारनामा उजागर हुआ तो जनपद के पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के होश उड़ गए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस ने सही तरह से जांच क्यों नहीं की और पुलिस की लापरवाही से अब तक बेगुनाह लोग जेल काट रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने जो लड़की जिंदा है उसके कपड़े चप्पल भी बरामद दिखाए और युवती के भाई और पिता के पास से तमंचा कारतूस भी बरामद दिखाए हैं। आखिर ये सम्मान आया कहां से और पुलिस ने इतना बड़ा खेल क्यों खेला, यह अभी रहस्यमय बना हुआ है। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के थाना आदमपुर के गांव मलकपुर के पीड़ित कक्ष के राहुल ने बताया कि पिछले साल 6 फरवरी में उसकी बहन कमलेश अचानक घर से गायब हो गई थी। परिजनों ने थाने आकर सूचना दी और पुलिस ने अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने दो लोगों को जेल भी भेज दिया, लेकिन पुलिस लगभग 10 महीने तक युवती को बरामद नहीं कर पाई। पुलिस ने अपनी जान बचाने को अजीब मामला रच डाला। आदमपुर पुलिस ने 18 फरवरी को उसके मर्डर में उसके पिता सुरेश और उसके भाई रूप किशोर और पड़ोस गांव के रहने वाले देवेंद्र सहित तीन लोगों को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। राहुल ने आदमपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तीनों लोगों की पिटाई करके जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाया गया था। वो लोग तभी से अब भी जेल में बंद हैं और हैरानी इस बात की है कि जिस युवती के हत्या का इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया वो अभी तक जिंदा है, जिसे आज परिजनों ने थाना इलाके के परोरा गांव के राकेश के घर से जिंदा बरामद कर लिया। जिसके बाद अब वो लोग इंसाफ चाहते हैं और बेगुनाह परिजनों की रिहाई के साथ साथ दोषियों पर कार्यवाही की बात भी कर रहे हैं। इस मामले में जिला पंचायत सदस्य रामपाल सिंह ने बताया कि इस मामले में उन्होंने पहले ही कप्तान साहब को बताया था कि वो लोग जेल जा रहे हैं, वो निर्दोष हैं, उन्हें निर्दोषों को जेल भेजा जा रहा है। मगर पूर्व थाना आदमपुर इंस्पेक्टर अशोक शर्मा ने जबरदस्ती उन्हें जेल भेज दिया। वहीं इस मामले में पुलिस के अधिकारी कैमरे पर कुछ नहीं बोल पाए। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। मेरा नाम राहुल है। कहाँ के रहने वाले? गांव मलकपुर रहने वाला। क्या मामला? ये मेरी बहन 6 तारीख फरवरी को गायब हुई थी। जब 6 तारीख फरवरी को हुई थी तो जो पुलिस ने जो है 18 फरवरी का ये मेरे पिताजी को मार पीट गए और जेल भेज दिया और बहुत हेकड़ मार लगाई थी थाने वालों ने। आज कत्ल केस लगाया, मटर भी लगाया और जो है बहुत गहरा केस आया उन्होंने साहब। ये जेल में मेरे पिताजी जेल में है। और कौन कौन है जेल में? मेरा जेल में मेरा भाई है रुकसोर, मेरे पिताजी हैं सुरेश, एक लौंडा और है सीसो वाली का, उसे देविंदर, उसे साहब बहुत पीटा, पहले उसे पीटा। इन्होंने जो वीडियो बना ली, रिकॉर्डिंग बना ली, बनाकर रिकॉर्डिंग जो है उसकी वीडियो हमारे पापा दिखा दी, हमारे पापा पकड़ लाए, मार फिर बहुत बुरी तरीके से। जब रिकॉर्डिंग बना लाए तो फिर जो है उसने भी इन्होंने कह दी कैसा मारे पिताजी मार, जब फिर मार फिर तो उन्होंने कह दी कि लड़की तुमने मार दी, उन्हें मार दी, जब मार गैर साहब फेरी तो फिर आई लड़की जिंदी पाई गई है थाने आदमपुर थाने में। कहाँ से पाई गई है? पोरारा गाँव पोरारा राकेश कौन रहा सैनी, पिताजी का नाम है बलवंत। अच्छा, आप लोग सब इकट्ठे होकर थाने पर आए, क्या चाहते हैं? हमने आदमपुर थाने को फोन करा था, कम से कम दो ढाई घंटे पुलिस पहुंची थी उस जगह पे। फोन करा था कोई पुलिस वाले नहीं पहुंचा। ये भी दो ढाई घंटे बाद पुलिस पहुंची आदमपुर थाने की, हमारी कोई सुनवाई आज तक नहीं की थाने वालों ने। अच्छा, आप जो थाने पे इकट्ठा हुए हैं गाँव वाले, आप क्या चाहते हैं? अब जी हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे भैया और पिताजी और एक लौंडे पे क्लंप लगा हुआ है और एक थाने वालों ने लगाया है, इन थाने वालों ने जो लड़की ले गया था उन्होंने बहुत मोटा पैसा लिया है, इन्होंने जब थाने वाले मोटा पैसा लिया है तो ये सोच रहे हैं कि साहब लड़की उन्होंने भी मार दी। अच्छा, लड़की जिंदा बरामद हुई है? लड़की लड़की जिंदी बरामद हुई है, आज भी लड़की जिंदी बरामद, थाने में बंद है अभी। आज भी पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कार्रवाई करी ना जिसमें कुछ नहीं, हमें धोरे नहीं कहती बिल्कुल भी। कितना टाइम हो गया आपको थाने पे? हमें थाने पर कम से कम एक डेढ़ घंटा हो चुका। नाम आपका?
मैं रामपाल सिंह है, जिला पंचायत का सदस्य हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव चक्केरी है मेरा। क्या मामला है? थाना आदमपुर में इकट्ठा भीड़ है। यह है कि पहले भी मैंने कप्तान साहब से कहा था, पहले इस केस में निर्दोष जेल भेजे थे, वो पुलिस ने कागरें जेल से वापस करे दो आदमी, फिर उसके बाद में इन्हें भी कागरें निर्दोष जेल भेजा था। हमने कहा निर्दोष जेल जा रहे हैं, अभी इसमें जाँच सही तरीके से आप कर नहीं रहे। काफ़ी मैंने कप्तान साहब से भी कहा था इस मामले में, कप्तान साहब ने इसमें संज्ञान में लिया था, पर ये लोग पहले वाले कोतवाल साहब ने वो ये निर्दोष जेल भेजे, और ऐसे ही अगर निर्दोष जेल जाते रहेंगे सही मामले जो सही आदमी है वो बचते जाएंगे और क्राइम बढ़ता जाएगा निर्दोष लोगों को जेल भेजे। अच्छा, किस मामले में पुलिस ने जेल भेजा था? पुलिस ने मर्डर के हत्या लड़की की हत्या के मामले में हत्या लड़की किसने करी है? दोनों बाप बेटों ने, एक आदमी और था। जैसे कि सुनने वाला लड़की को मर्डर दिखा, अब आज वो बरामद हो गई? आज बरामद होगी लड़की को, पुलिस की इसमें काकरे नाकामी है। अब इसमें पुलिस क्या बोल रही है? अब पुलिस बोल रहा बात, पुलिस बात कर रही है, बात पे से बात नहीं हुई है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.